यहाँ से पढ़ लिख लेने के उपरांत आप लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे या भील बन जाएंगे। स्थान का नाम ठीक से ध्यान नहीं है आपको। प्रसंग याद है क्या? एक जगह कौरव पांडव साथ मिलकर के लड़े थे। कौन सी जगह थी? तो वहाँ पर कहा था कि हम युधिष्ठिर ने 106 हैं यहाँ, और यहाँ आकर के फिर वो कुरुक्षेत्र में आकर के तो दो हो गए ना, एक इस तरफ एक इस तरफ। वहाँ जा कर के 106 थे। आप लोग 106 में जाएंगे या दो में जाएंगे? पाठन पाठन के साथ साथ थोड़े से विषयांतर को भी ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। प्रायः हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक आत्मनिष्ठ हो जाती है, इसलिए थोड़े थोड़े से उसमें उदारता लानी होती है। पठन्ति चतुरो वेदान षट षड्वी अंगै द्विजः द्विजः है। आत्मानं नैव विजानाति दर्वी पाकरसं यथा। छह अंगों सहित चारों वेदों को पढ़ कर के भी जो द्विज है, त्रिवर्ण जो हैं, यदि आत्मा को नहीं जानते तो उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे हलवे बनाने वाले कड़छी की होती है, खीर बनाने वाली कड़छी की जो स्थिति होती है। खीर बनाने के बाद भी उसको नहीं पता चलता है कि मीठी है नहीं मीठी है, अच्छी बनी या नहीं बनी। ऐसा ही यहाँ भी होता है, केवल शास्त्रों को पढ़ने लिखने से। जीवन उपकारी नहीं बनता है, स्वार्थी केवल बन जाता है। तो विद्या का जो फल होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता है। अपने जीवन से दूसरों का भी जो लाभ होना चाहिए अथवा दूसरों के जीवन से अपने को भी जो लाभ होना चाहिए, हम प्रायः उससे वंचित हो जाते हैं। स्वयं को ही अगर प्रधानता दे देंगे, सामने वाले को महत्व नहीं देंगे, तो यही स्थिति हो जाएगी। इस कारण से समन्वय करना आवश्यक हो जाता है। हमारा जीवन जो होता है वो सामाजिक होता है, अकेले हम कुछ नहीं कर पाते, एक दूसरे के सहयोग से ही हम सुरक्षित होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं,
यदि हम एक दूसरे की अपेक्षा नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन काफ़ी क्लिष्ट हो जाता है, बहुत अधिक संकुचित हो जाता है। इस कारण से जहाँ हम पढ़ने लिखने में योग्य हैं, पात्र हैं, बुद्धि चलती है, हमें वहाँ पारस्परिक आत्मीयता भी देखनी पड़ती है, परस्पर के भी सुख दुख को लेकर के चलना होता है। दूसरे का यदि हम ध्यान हम नहीं रखते हैं, दूसरे भी हमारा ध्यान नहीं रख पाते। तो इन स्थितियों में फिर क्या होता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। परी है या पर है? परी होना चाहिए। तो शक्ति परेशान तो ही गया यहाँ, परिपीडनाय पर और परेशान दोनों मिलाएंगे तो क्या अर्थ होगा? पर ही होना चाहिए। शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति जो हो जाती है दूसरों को सब ओर से पीड़ित करने के लिए हो जाती है। ऐसे होगा दूसरों के लिए, दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, तो वो अर्थ नहीं बनेगा। शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च, और कुछ है रक्षणाय। यदि हमारे अंदर आत्मीयता नहीं बनती है, जैसे जैसे हमारी विद्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे यदि हमारे अंदर उदारता नहीं आती है, दूसरे के विषय में हम कुछ भी नहीं विचार पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होती है, विद्या मद के लिए हो जाती है, यानी कि विवाद के लिए हो जाती है, दूसरों को नीचे गिराने के लिए हो जाती है, अपने को बड़े बनाने के लिए छोटे को, दूसरे को छोटा बनाने का साधन बन जाती है, खंडन मंडन जो भी होता है उसमें बुद्धि हमारी चलने लग जाती है। हमारे समाज में सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लेने के बाद अब वो कहाँ लड़ते हैं अधिकतम, यहाँ के जो विद्वान होते हैं सबसे अधिक झगड़ा किससे करते हैं, बाहर नहीं करते हैं, जाकर आपस में ही लड़ते हैं अधिकतर, जबकि बाहर लड़ना चाहिए था। ऐसे ही यहाँ का भी होता है, रोजड़ के विद्वान रोजड़ का ही खंडन करते हैं, ऐसा होने लग गया। दूसरे भी गुरुकुलों में या यानी कि आर्य संसार में ले ले तो ऐसे थोड़ा सा भारत में ले ले, यानी जो सनातन है अगर उसको ले लें तो उसके विद्वान किसका खंडन करते हैं, दूसरे मतों का अधिक करते हैं या आपस में ही करते हैं? आपस में ही अधिकतम करते हैं। इनकी क्या होती है, विद्या अपने ही घातक हो जाती है, स्वयं के लिए घातक बन जाती है,
साथ वालों के ही विरोध में उसका उपयोग होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आती है कि आरंभ से विद्या के साथ साथ जो कहते हैं विद्या अलग चीज़ होती है, शिक्षा अलग चीज़ होती है, विद्या और शिक्षा में अंतर होता है। विद्या के प्रति तो हमारी बुद्धि जाती है, शिक्षा में नहीं जा पाती है। ऐसे ही जो हम अध्यापक बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, तो विद्वान तो होते हैं लेकिन शिक्षक नहीं हो पाते हैं। अपनी विद्या तो हम प्रदान कर देते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे पाते। विद्या किस प्रकार से जीवन का अंग बनती है, व्यवहार में किस प्रकार से उसका उपयोग हो सकता है, हम प्रायः इन बातों को नहीं जान पाते हैं, वैसा कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होती है कि हम अभीष्ट जो हमें चाहिए, लौकिक और आध्यात्मिक जिसको कहते हैं, निःश्रेयस और दूसरा क्या होता है अभ्युदय, हमारे जीवन में ये नहीं आ पाते। निःश्रेयस के लिए अभ्युदय आवश्यक होता है, लेकिन अभ्युदय के लिए क्या है, सुरक्षा के लिए निःश्रेयस भी आवश्यक होता है। वैसे अभ्युदय बिना निःश्रेयस के हो जाता है लेकिन वो फिर अभ्युदय रहता नहीं है। संग्रह के साथ साथ जो त्याग की स्थिति होनी चाहिए, उपार्जन के साथ साथ जो दान की भावना आनी चाहिए, वो नहीं आती है। इससे फिर क्या होता है कि कृपणता आ जाती है। विद्या के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, सभी जगह यही दोष आ जाते हैं अगर हम केवल स्वयं को केंद्र बिंदु बना लेते हैं तो, अपनी ही उन्नति केवल सोचते हैं, दूसरे की नहीं सोच पाते हैं, तो हमारे सामने फिर यही। ऐसे में हम ईश्वर के लिए पात्रता नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ईश्वर अधार्मिक व्यक्ति को या अधार्मिक अवस्था में हमको स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक हमारे अंदर सार्वभौमिकता नहीं आ पाती है, सबके प्रति हित की भावना नहीं आ जाती है, तब तक हम पात्र नहीं बन पाते हैं। हमारा मन जो है वो निर्मल नहीं हो पाता है, उसमें स्वार्थ रहती है और वही स्वार्थ कामनाओं को पुष्ट करता रहता है, इच्छाओं को स्वार्थ ही पुष्ट करता है। जहाँ स्वार्थ रहेगा ऐसा रहेगी, जहाँ ऐसा रहेगी वहाँ स्वार्थ रहेगा। इस कारण से ऐसाओं को भी हटाने के लिए आवश्यक होता है कि हमारे अंदर उदारता भी आनी चाहिए। अपने लिए जहाँ हम सोचते हैं, अपने लिए जितना हम करते हैं, अन्यों के लिए हमारे मन में हृदय में स्थान होना चाहिए। यद्यपि प्रधानता रखी जाती है अपनी, क्योंकि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी उतना ही करें। स्वयं जितना हम पढ़ते हैं दूसरे को भी इतना ही पढ़ाने लगेंगे,
अन्य कार्य भी में भी दूसरे का भी इतना ही करेंगे तो नहीं चल पाता है, इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन मानसिक रूप में, भावनात्मक रूप में ऐसा हमें मान के चलना पड़ता है कि हमसे जितना दूसरे का सहयोग हो सकता है हमें कर देना चाहिए, करना चाहिए। बचने की प्रवृत्ति नहीं रहनी चाहिए। साक्षात नहीं हो पाएगा, जैसे कि ये होता है कि सबको हम एक समान मानते हैं, सन्यासी होता है या विद्वान कोई भी होता है या ईश्वर के लिए ही ले लेते हैं, वो सबको एक समान मानते हुए भी सुविधा बराबर तो नहीं देते ईश्वर सबको। माता पिता है, गुरु है, जो भी होता है, राजा होता है, कितना भी न्यायकारी होता है, सभी को एक समान देना भी न्याय नहीं होता है और सभी को दिया भी नहीं जाता है, देना संभव भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लिया कि सब कोई हम मान लें कि ये अपना ही है, तो फिर क्या होगा, घर का ताला खोल के चलना पड़ेगा। किसी को मना कर पाएंगे कि तुम नहीं आओ हमारे घर में? अपने वाले को तो नहीं मना करते ना, और पड़ोसी भी अपना ही हो जाएगा, दूसरे गांव वाले भी अपने ही हो जाएंगे, तो ताला किस लिए, किवाड़ किस लिए लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे? और नहीं लगाएं तो क्या होगा, शनि सिग्नापुर बन जाएगा। देखा शनि सिग्नापुर? देखा है आपने? अच्छा, शनि सिग्नापुर में दरवाजे नहीं होते हैं घरों में, नहीं दरवाजे ही नहीं होते, गांव में शायद उधर थोड़े दूर में, नगर में जाकर, दूर में जाकर के तो हैं, वहाँ जो मंदिर यहाँ पर है ना उसके आसपास की जो दुकान है, यहाँ तक कि उन्होंने शौचालय में भी नहीं लगाया दरवाजे, शौचालय भी बिना दरवाजे के हैं, मंदिर में जो बना हुआ है दुकान में भी ऐसी है, लेकिन भोजनालय में वो नंबर देते हैं, पर्ची देते हैं, वहाँ छूट नहीं है। तो दुकान में नहीं है दरवाजे, कुछ नहीं है, वैसे ही होता है, लेकिन पैसे लेते हैं सामान का, उठाने नहीं देते हैं। हाँ वैसे कोई वैसे जा कर के अपना उठा ले तो उठाने नहीं देते हैं, लेकिन रात को खोल छोड़ के चले जाते हैं। उनको है कि जो कोई चुरा लेगा वो मर जाएगा वहाँ पे, ऐसी मान्यता एक सीमा में है, तो इस कारण से कोई वहाँ पर ऐसा कुछ करता नहीं है। लेकिन बगल बगल में घर बनाने लगे हैं तो उसमें अब दरवाजे भी होते हैं, सब कुछ होता है, अब वो स्थिति नहीं है वहाँ। तो कहने का अभिप्राय होता है कि ये संभव नहीं होता है, बैंक वाले तो नहीं घुसने देते हैं, वो तो दरवाजे और चाबी सब लगाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं खोल रखा है बैंक, दूर में वहाँ नहीं खुला है, ऐसा बैंक नहीं है बिना दरवाजा वाला। तो कहने का अभिप्राय होता है कि मान्यता में तो हमको मानना पड़ता है कि सभी एक ही हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि सबको घर में आने की छूट दे दे, कोई भी किसी के घर में घुस जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। गधे घोड़े कुत्ते सब कुछ होते हैं, अब हमारे बिस्तर पर आके रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बाबा थे, जानते कौन थे वो घी लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़ने लग गए, कौन था? कौन थे? एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि सब कोई अपना ही है, तो आत्मा ही है हमारी,
तो हम घी की रोटी खाते हैं तो इसको कैसे नहीं दें। तो कुत्ते, हाँ कुत्ता रोटी लेके भाग गया, वो घी का वो कटोरी लेके गई कि भाई घी छोड़ दिया तूने। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं होती उसको, बेचारे को तो घी पचता भी नहीं है। कुत्ते को घी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा वो, उसको नहीं पचता है घी, घी का नहीं खाता है वो। तो सबको सभी के बराबर यानी कि सुविधाएं दे, किसी माता के चार बच्चे छोटे हैं बड़े हैं उसके, और रोटी बराबर देने लग जाए तो क्या होगा, छोटे वाले के क्या होगा। तो ऐसा होता है कि मतलब नियम का उचित उपयोग करना होता है, यानी भावना मन में नहीं होगा वो, योग्यता के कारण से अन्य किसी अलग अलग हेतुओं से प्रतिबंध होता है, दूर भी रखना होता है, तो कहाँ किसकी कितनी आवश्यकता होती है और हमारी कितनी सामर्थ्य होती है ये भी देखना होता है। सबके पास वो हम जा नहीं सकते, सबको हम खिला नहीं सकते, सबको हम दे नहीं सकते, लेकिन मन में नहीं रहेगा कि इसको देना है इसको नहीं देना। देते समय हमारे पास उतने होंगे नहीं कि सबको दे दें, ऐसे ही योग्य है पात्र है वो भी देखना पड़ता है किसको पहले दें किसको बाद में दें, लेकिन मन में फिर भी ये नहीं आएगा कि ये इसको नहीं देना इसको देना है और इस कारण से, क्योंकि ये मेरा है ये नहीं है, वो चीज़ें नहीं रहेगी। देश काल से अबाधित होकर के वो अवसर होने पर रोकेगा नहीं उसको, ऐसे निमित्त बनाए जाते हैं, व्यवस्था तो यहाँ होती है, लेकिन भावना में इस प्रकार का रहेगा कि आज नहीं ये अपना है कल हो जाए, आज ये इसका हित नहीं हम कर पा रहे हैं तो आगे हम हित कर सकें, तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति बनानी होती है। बचपन से ही कोई व्यक्ति या परोपकार में लग जाए तो वो पढ़ेगा लिखेगा क्या, ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन मानसिकता धीरे धीरे ऐसी ऐसी बनानी पड़ती है कि उसको अंत में ये लगना चाहिए संसार में कोई मेरा पराया नहीं है, हर कोई मेरा अपना है, क्योंकि ईश्वर के तो सब अपने हैं, ईश्वर को हम पिता मानते हैं, तो जितने ईश्वर के पुत्र हैं वो सारे हमारे भाई तो हो गए। इस प्रकार की यानी मानसिकता लानी पड़ती है धीरे धीरे, ये मानसिक होते हैं व्यवहारिक यानी शारीरिक नहीं हो पाते। तो पठन पाठन आदि में भी ऐसा ही होगा, हम धीरे धीरे यानी उस आत्मिक अवस्था को लाने का प्रयास करते रहते हैं जिसमें कि सभी के साथ हमारी समानता होती है। अपनत्व आत्मीयता ये पृथक वस्तु है, साधनों का लेना देना ये पृथक वस्तु होती है। साधन तो शरीर देश का निमित्त आदि के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन जो आत्मीयता होती है उसमें ऐसा कोई विभाजन नहीं होता है। एक माता होती है, पिता होता है, गुरु होता है, वो दस भाई के लिए दस साथी के लिए सबके लिए एक ही होगा, उसमें वो विभाजन नहीं किया जाता है। पांच भाई की माता जी पूरी पूरी होती है, जितनी एक की होती है उतनी ही दूसरे की होती है, उतनी ही तीसरी की होती है, पूरी पूरी होती है, लेकिन ये पांच होते हैं। ऐसे ही शिष्य भी होते हैं, उसका गुरु एक शिष्य का जितना होता है गुरु, दूसरे का भी उतनी होता है, तीसरे का भी उतनी होता है, उसमें विभाजन नहीं किया जाता है। लेकिन सभी के साथ बराबर नहीं होगा, उठना बैठना लेना देना ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो शारीरिक रूप से तो घटित नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक में जो होता है कि किसी का हम अवरोध नहीं करते, समय आने पर निमित्त आने पर सभी के लिए हम बराबर ही रहते हैं।
इस प्रकार से धीरे धीरे मतलब मानसिकता ऐसी बनानी होती है कि पूरा संसार हमें लगे कि हमारा ही है, कोई दूसरा नहीं है। यद्यपि कभी संभव नहीं होगा कि संसार भी हमको मान लेगी, ये भी हमारा ही है। हम तो मान सकते हैं कि संसार हमारा है, लेकिन संसार कभी मान लेगा कि हम उसके हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि कितने सारे हमको तो जानेंगे ही नहीं, कितने के सारे हम कोई व्यवहार नहीं करेंगे, कितने होंगे जिसका कोई हित कर ही नहीं पाएंगे, उसके पास ही नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो तो हमको जानेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, उसका व्यवहार ही नहीं होगा। उस पर भी जो व्यवहार देखेगा जानेगा वो समझ नहीं पाएगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ होती है, लेकिन उसमें फिर भी नियम यही होता है, हमको लगना चाहिए सब हमारा है। तो ऐसे करते हुए धीरे धीरे जितनी हम यहाँ उदारता बनाते जाते हैं, लौकिक पदार्थों से हमारे संबंध उतने कटते हैं, यानी उतना हमारा स्वार्थ कम होता जाता है। दूसरे को अगर हम दूर रखते हैं, उसका सम्मान या उसके आदर को महत्व नहीं देते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, ये सारे हमारे राग द्वेष ये बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर संकोच आता जाता है। और यही कालांतर में बढ़ करके फिर क्या हो जाते हैं, एक स्वार्थ क्या है वो श्लोक, घटका स्वार्थान परित्यजिए ये निगनन्ति निरर्थकं परहितं, और क्या है, स्वार्थाय निगनन्ति, ये तीन कैटेगरी दिया है ना। एक ऐसा है जो कि उसका स्वार्थ भी नहीं होता है फिर भी दूसरे की हानि करता है। एक तो चलो अपने स्वार्थ के कारण से करता है, दूसरा और किसी कारण से बाधित होके करता है, लेकिन एक ऐसा होता है जिसका अपना स्वार्थ भी नहीं होता है फिर भी दूसरे की हानि करता है। ये निगनन्ति निरर्थकं परहितं ते केन, हाँ वो तो स्वार्थ है का ऊपर दिया सामान्यास, वो तो बता दिया, तीन ने तीन कैटेगरी बताई, उसमें चौथे के लिए हो गया कि वो पता नहीं कौन है। हाँ तो ये वस्तुतः स्वार्थ ही बढ़ते बढ़ते इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि उसको हर कोई अब शत्रु लगता है, हर कोई उसको पहले पराया लगेगा, बाद में फिर उसको शत्रु लगने लग जाएगा। तो अब वो यही चाहेगा कि कोई नहीं रहे, सबको नष्ट करो, हम ही केवल ठीक हैं और कोई ठीक नहीं है। तो एक स्वाभाविक स्थिति उसकी हो जाती है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ क्या होती, सब नैमित्तिक होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है स्वाभाविक नहीं होता है, ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ते 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 ये इस प्रकार के दोष के रूप में होते हैं। लेकिन मूल कारण इसका यही है कि स्वार्थ बनता है, अपने को ही व्यक्ति केवल महत्व देने लगता है, दूसरे को महत्व देना बंद कर देता है। तो यही क्लेश बन जाते हैं और धीरे धीरे कालांतर में जा करके अपने आत्मा को इसी से हम दूषित कर लेते हैं, और पशु पक्षी या जो भी है ईश्वर से आत्मा की अत्यंत दूरी बन जाती है। तो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को भी उन्नत करने के लिए हमें स्वार्थ पर प्रवृत्ति को देखते रहना चाहिए, उदारता अपने अंदर लाते रहनी चाहिए, अपने अंदर अन्यों के प्रति चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, बड़ों छोटों को बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ
कृतज्ञता का भाव बनाते रहना चाहिए। बड़ों को भी क्या होता है, दया का, उदारता का भाव बनाते रहना चाहिए, छोटे के प्रति सुरक्षा का भाव बनाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम चलते रहते हैं तो हमारी विद्या जाके सफल होती है, अपना जीवन भी इसी से उन्नत होता है, सामने वाला का होता है, अन्यथा आपस में फिर वही वैर विरोध, एक दूसरे के प्रति असहानुभूति, शत्रुता धीरे धीरे बनती जाती है, फिर हमारी विद्या हमारे लिए एक निरर्थक बोझ बन जाती है। अपनी परंपराओं से, ऋषियों से, वेदों से, आध्यात्मिकता से फिर स्वयं अपने आप को किनारे कर लेते हैं। तो ऐसे दोष हमारे अंदर न आए। विद्या, आध्यात्मिक विद्या जहाँ हम ग्रहण करते जा रहे हैं, उसके साथ हमारे अंदर दूसरे के प्रति भी सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना भी बढ़ती जानी चाहिए।